गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हमें पिछली वाली कक्षा के अंदर हैं जनसंख्या वितरण पढ़ रहे थे और जनसंख्या वितरण के बाद में आज जो हमें पढ़ना था जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। देखो जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक जो आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। तो हमने पढ़ा था जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या का फैलाव है। तो ये जो जनसंख्या का फैलाव है वह असमान था और ये असमान क्यों है, इसको नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं या प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज हमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें, देखो अनेक ऐसे कारण हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे प्राकृतिक कारक हैं, प्राकृतिक कारक हैं या भौतिक कारक हैं। दूसरे होते हैं हमारे आर्थिक कारक हैं, सामाजिक हैं, सामाजिक व सांस्कृतिक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं तथा राजनीतिक हैं, राजनीतिक कारक हैं। इनके अलावा बहुत से होते हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा और हैं। जैसे जो प्राकृतिक कारक हैं, प्राकृतिक कारकों के अंदर हैं जैसे जलवायु, जलवायु धरातल हैं, धरातल है, मिट्टी और हैं, जलवायु धरातलें मिट्टी जलें के उपलब्धता या जल की पूर्ति भी कह सकते हैं इसको, जल की उपलब्धता या जल की पूर्ति। आर्थिक कारकों के अंदर हैं जो है, आर्थिक कारकों में हमारे उद्योग, परिवहन, औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण है आदि कारक आते हैं। तो अनेक जो विद्वान हुए हैं इनके अलावा भी बहुत से कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वे विद्वान तो आर्थिक कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं, आर्थिक कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन्हीं की तरह एक क्लार्क नाम के विद्वान हुए हैं, क्लार्क विद्वान हैं, क्लार्क जो विद्वान हुए हैं इन्होंने केवल आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी, तकनीकी विकास तथा सामाजिक संगठन, सामाजिक संगठन वे हमारे सरकारी नीति को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखो प्राकृतिक, कुछ विद्वान तो प्राकृतिक कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं और जो क्लार्क नामक विद्वान हुए हैं उन्होंने आर्थिक व्यवस्था, तकनीकी विकास, सामाजिक संगठन और सरकारी नीति को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस अध्याय की दृष्टि से जो हम इस अध्याय में जो पढ़ेंगे या महत्वपूर्ण जो हैं वे, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जलवायु,
जलवायु भी जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें तो जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले हैं या प्रभावित हैं करने वाले कारक हैं कौन कौन से हैं या उनका उल्लेख है कीजिए। तो सबसे पहले हम देखें जलवायु। जलवायु भी एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। अत्यधिक हैं, शीतल हैं, अति उष्ण हैं, अति उष्ण हैं वे अति आर्द्र हैं। जलवायु भी मानवें बसावें वे क्रियाकलापों वे मानव के क्रिया कलापों के लिए अनुपयुक्त होता है, अनुपयुक्त होती हैं। तो देखो अत्यधिक शीतल, अति उष्ण, अति आर्द्र जलवायु मानव बसावे और मानव क्रियाओं के लिए या मानव क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त होती है। तो ऐसे प्रदेशों के अंदर जनसंख्या भाई ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या कम मिलेगी। तो ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या का जमाव कम है मिलता है। जैसे हमें हम देखें तो हमारा जो हिमालय का प्रदेश है भाई, हिमालय का हिमालय के प्रदेश हैं और राजस्थान के थार हैं का मरुस्थल है में जनसंख्या का जमाव कम है मिलता है। और जो तराई प्रदेश हैं इन तराई प्रदेशों के अंदर भी अस्वास्थ्यकर जलवायु स्वास्थ्यकर जलवायु के कारण है यहाँ जनसंख्या का जमाव कम है मिलता है। तो हमने देखा जलवायु भी एक है जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जहाँ अत्यधिक शीतल है, जहाँ पर्वतीय जो इलाके हैं जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ बर्फ जमी हुई रहती है, और अति उष्ण जो गर्म प्रदेश है हमारे जैसे हमारा थार का मरुस्थल है तो ऐसे क्षेत्रों में, और अति आर्द्र प्रदेश है जैसे तराई वाले जो प्रदेश हैं, तो जलवायु वहाँ की जो जलवायु है वह मानव बसाव वह क्रियाकलापों वह मानव के क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त होती है। तो ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या का जमाव कम मिलता है। अगला जो हमें पॉइंट इसमें देखें जलवायु के बाद में जो दूसरा है हमारा वह धरातलें। धरातल भी जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जटिलें भूम्याकृति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम मिलती है हैं। पूरे विषम में भौगोलिक क्षेत्रों में या विषम धरातल पर हैं कृषि कार्य नहीं हो पाता है, परिवहन की सुविधा कम होती है और रोजगार का अभाव होता है का
अभाव होता है, इसलिए यहाँ जनसंख्या कम है, निवास करती है, कम निवास है करती है। इसके विपरीत है जो मैदानी प्रदेश है वहाँ परिवहन भी मिलेगा, कृषि भी होगी, रोजगार भी अधिक मिलेंगे, उद्योग धंधे भी अधिक होते हैं, इसी कारण से वहाँ जनसंख्या अधिक मिलती है। तो दूसरा जो हमने पॉइंट देखा वह धरातल है, तो जटिल भूमि आकृति वाले क्षेत्र हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गए, पठारी प्रदेश हैं, तो ऐसे वाले जो क्षेत्र हैं, या कहने का तात्पर्य विषम धरातलीय जो प्रदेश हैं, तो ऐसे प्रदेशों में कृषि कार्य संभव नहीं है और परिवहन वहाँ बहुत कम मिलता है, रोजगार के साधनों का अभाव है, इसी कारण से वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। और इसके विपरीत जो मैदानी प्रदेश हैं, मैदानी प्रदेशों के अंदर हैं जनसंख्या अधिक है, मिलती है, क्योंकि वहाँ कृषि कार्य पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और परिवहन सुविधा भी मिल जाती है, रोजगार भी मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे भी सर्वाधिक होते हैं। तो हमने दो पॉइंट देख लिए हैं, जलवायु, दूसरा देखा हमने धरातलें, तीसरा देखे हमें तीसरा जो है हमारा जल की पूर्ति, जल की पूर्ति, जो जल है मानव की प्राथमिक आवश्यकता होती है, पर जल जो है, जल है मानव की प्राथमिक आवश्यकता आवश्यकता होती है, भाई मानव के लिए जल अति आवश्यक है, जल के बिना जीवन संभव है नहीं है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जल मानव की प्राथमिक आवश्यकता होती है। जिन प्रदेशों में या जिन क्षेत्रों में जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है वहाँ जनसंख्या अधिक है, मिलती है, या जनसंख्या का जमाव अधिक होता है। जैसे हमें उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के साथ हैं, वर्षा की मात्रा के साथ हैं जनसंख्या घनत्व भी पूर्व से पश्चिम की तरफ है कम है, मिलता है, वही वर्षा पूर्व की तरफ अधिक है और पश्चिम की तरफ है कम होती है, उसी आधार पर है जो जनसंख्या का घनत्व है वह भी पूर्व से पश्चिम की तरफ है कम होता जाता है। और देखें तो जो हमारा थार राजस्थान जो है, इस राजस्थान में उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के कारण अधिक जमाव मिलता है। और जो नदी घाटी क्षेत्र हैं, इन नदी घाटी क्षेत्रों के अंदर भी सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव मिलता है। और जो प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं, ये प्राचीन सभ्यताएं भी नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई हैं। और इसके बाद में देखें अगला जो पॉइंट है हमारा चौथा जो पॉइंट है, तीन पॉइंट हम देख चुके हैं, जलवायु, धरातलें, जल की पूर्ति, और जो चौथा है वह हमारा परिवहन है। तो देखो परिवहन भी
एक महत्वपूर्ण जनसंख्या वितरण है का कारक है, वह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसमें देखो जो पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश वे पठारी प्रदेशों की तुलना में मैदानी प्रदेशों में परिवहन सुविधा अधिक है, परिवहन सुविधा अधिक है। इसी कारण है जो मैदानी प्रदेश है, इसी कारण है मैदानी प्रदेश सघन बसे हुए हैं। तो पर्वतीय प्रदेश व पठारी प्रदेशों की तुलना में मैदानी प्रदेशों में परिवहन सुविधा अधिक होती है या अधिक मिलती है। इसी कारण है मैदानी प्रदेश है सघन बसे हुए हैं। तो जलवायु देख लिया हमने, धरातल है, जल की पूर्ति, और है जो पांचवा कारण हम पढ़ेंगे, पांचवा है हमारा खनिज, पांचवा है खनिज है। तो देखो जिन क्षेत्रों में खनिज पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, जिन क्षेत्रों में जिन प्रदेशों में खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, वहां वहां मानवें के आर्थिक विकास से की संभावनाएं आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहां उद्योग अधिक होते हैं। इसी कारण वहां जनसंख्या अधिक होती है। वह जिन प्रदेशों में खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, वह मानव के आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहां उद्योग अधिक होते हैं और रोजगार की साधन अधिक मिलते हैं। इस कारण से वहां जो है अधिक जनसंख्या निवास करने लगती है। अगला जो कारण है हमारा, यह है छठवां जो कारण है कि बात करें हमें तो सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक भी जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में आते हैं। इनमें देखो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों में सामाजिक संरचना, रीति रिवाजें, धार्मिक संगठन है, शिक्षा, स्वास्थ्य या शिक्षा, चिकित्सा, चिकित्सा
अधिकारक हैं प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित हैं करने वाले कारक हैं। तो देखो सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारकों में सामाजिक हैं वे मनोवैज्ञानिक हैं कारकों में सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज हैं, धार्मिक संगठन हैं, शिक्षा, चिकित्सा आदि कारक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तो देखो जैसे कोई सामाजिक संगठन है वह है उनकी अलग ही नियम कानून नियम कानून कायदे होते हैं, तो वे सरकार के द्वारा जो चलाए गए नियम कानून कायदे जो होते हैं उनको नहीं मानते हैं, वे अपने नियम कानूनों को मानते हैं और जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनको वे नहीं मानते हैं, वे उनकी अपनी रीति रिवाज होती है। तो ये भी एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। और इसके बाद में देखें लास्ट में अंतिम में महत्वपूर्ण जो कारक है हमारा सातवां, जो सातवां महत्वपूर्ण कारक है वह है राजनीतिक हैं वे आर्थिक हैं कारक, राजनीतिक वे आर्थिक कारक हैं। राजनीति व आर्थिक कारक में देखो इसमें राजनीति असंतोष हैं, राजनीति असंतोष है, अशांति, असंतोष है, अशांति, असुरक्षा आर्थिक है, असुरक्षा राजनीति कारकों में तथा औद्योगीकरण है, औद्योगीकरण है, नगरीकरण है, ये आर्थिक हैं कारकों में हैं। तो देखो राजनीतिक हैं असंतोष हैं, अशांति, असुरक्षा और हैं ये जो है ये राजनीतिक कारकों में आते हैं। जैसे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें आतंकवाद हैं बढ़ रहा है, तो आतंकवाद बढ़ने के कारण से सीमावर्ती जो क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर है हमारा, तो उन प्रदेशों जम्मू कश्मीर है और हरियाणा जो है ऐसे प्रदेशों से जनसंख्या स्थानांतरित हो रही है। और इसमें देखो आर्थिक कारणों में नगरीकरण और हमारा औद्योगिकरण है, तो ये भी एक जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां उद्योग धंधे सर्वाधिक होंगे वहां जनसंख्या अधिक निवास करेगी क्योंकि वहां जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध होंगे। तो देखो हमने आज बात की जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों की, इसमें सबसे पहले हमने बात की जलवायु की और जलवायु में हमने देखा कि जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी गिरती है, कहने का तात्पर्य जहाँ अत्यधिक शीतल अत्यधिक उष्ण और अति आर्द्र जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में जनसंख्या कम निवास करती है। और इसके बाद में जो देखा हमने धरातल जटिल भूम्याकृति वाले जो प्रदेश हैं या उबड़ खाबड़ जो प्रदेश हैं वहाँ कृषि कार्य संभव नहीं होने के कारण से वहाँ रोजगार कम मिलते हैं और परिवहन सुविधा भी कम मिलती है, इस कारण से उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तथा इसके विपरीत जो मैदानी प्रदेश हैं इन मैदानी प्रदेशों के अंदर जनसंख्या अधिक मिलती है। इसके बाद में हमने देखा जल की पूर्ति, जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है वहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक मिलता है
और जिन क्षेत्रों में जल की कमी मिलती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव कम मिलता है। इसके बाद में हमने बात की थी परिवहन की, पर जिन क्षेत्रों के अंदर पर्वतीय जो प्रदेश हैं या पठारी प्रदेश हैं उनकी अपेक्षा जो मैदानी प्रदेश हैं वहाँ परिवहन की सुविधा अधिक मिलती है। इसी कारण मैदानी प्रदेश सघन बसे हुए हैं और पर्वतीय क्षेत्र कम बसे हुए हैं। इसके बाद में हमने बात की खनिजों के कारण लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो खनिज संपन्न प्रदेशों के अंदर जनसंख्या सर्वाधिक मिलती है तथा जिन क्षेत्रों के अंदर खनिज नहीं है या कम है और अन्य जो जलवायु वगैरह जो नहीं है तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम मिलती है, तो खनिज संपन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक मिलता है। इसके बाद में बात की हमने सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों की, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों में भी समाज के कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिनके अलग रीति रिवाज परंपराएं जो होती हैं वे इन उन्हीं को मानते हैं। सरकार द्वारा नियम में जैसे परिवार नियोजन है ऐसे नियमों को नहीं मानते हैं, इस कारण भी वो जनसंख्या में वृद्धि का कारण बनती हैं। इसके बाद में देखो राजनीतिक व आर्थिक कारक हैं, राजनीति असंतोष अशांति असुरक्षा राजनीतिक कारक हैं तथा औद्योगिक नगरीकरण ये आर्थिक कारकों में आते हैं। और जो है इसी कारण है जो हमारे जम्मू कश्मीर है और पंजाब है असम है इन क्षेत्रों से जनसंख्या स्थानांतरित होकर मैदानी प्रदेशों या अन्य प्रदेशों में जा रही है। आज हमें इतना ही पढ़ेंगे, इसी के साथ में धन्यवाद है। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वह घनत्व के बारे में होगा। थैंक यू।